Hello everyone and welcome to my class. Now in this video I'll be continuing the third chapter of class 7th history, sorry civics, that is how the state government works. Now in previous video I have already discussed about how the MLA is elected, right? And in this video I'll be discussing about what are the works that are done by these MLAs in the legislative assembly. Right. Again, in the book, an example is given, a debate in the legislative assembly is given. In the beginning of this chapter, one story is given in which one problem of a particular area is raised. Right. Now, to continue further, what happened, school students like Afreen, Sujata, they were taken by the school to visit the legislative assembly. Now, to see the working of MLAs or to see the working of the members of the legislative assembly, how they work, what are actually their work, right? So, they visited the legislative assembly or वहाँ पे after doing detailed screening of their, उनको checking होने के बाद वो जब legislative assembly की building के अंदर जाते हैं तो it's a huge building और वहाँ पे वो building में ऊपर gallery से जो है देखते हैं कि बहुत सारे desk लगे हुए हैं, mics लगे हुए हैं, seats हैं और वहाँ पे MLAs बैठे हुए हैं और एक अहम मुद्दे पे they are discussing, एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे उनका डिस्कशन चल रहा है. सो लेट्स सी व्हाट डिबेट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज एमएलएस. पहला एमएलए बोलता है कि 15 डेथ्स इन अखंड गांव, मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पे अखंड गांव, वहाँ पे 15 डेथ हो चुकी है डायरिया से, सरकार क्या कर रही है, हम डायरा जैसी बीमारी को भी नहीं देख पा रहे हैं, क्यों हम फेल हो रहे हैं, आखिर गवर्नमेंट स्टेप्स क्यों नहीं ले रही है. दूसरा एमएलए कहता है why are government hospitals in such a bad situation? क्यों हमारे प्रदेश में government hospital की बहुत बुरी हालत है, क्यों वहाँ पे proper facilities नहीं हैं, ठीक है, जो छोटे से छोटी problems को भी ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, तभी एक छोटी बीमारी जो है वो इतना फैल रही है लोगों के बीच. तीसरा MLA बोलता है तोलपट्टी मेरा क्षेत्र है और वहाँ पे पानी की एक्यूट शॉर्टेज है जिससे कि महिलाओं को 3-4 किलोमीटर जाके दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए और फिर भी उन्हें साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता. तो इस तरह से जो ये जो शॉर्टेज है पानी की, ये इसके लिए सरकार आखिर कर क्या रही है. चौथा MLA कहता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार स्टेप्स ले रही है, टैंकर्स पानी के भिजवाए जा चुके हैं कई बारी अलग अलग क्षेत्रों में और उनके टैंकर पानी के साथ साथ उन्हें ORS का पैकेट भी दिया जा रहा है लोगों को ताकि कि बॉडी में पानी की कमी ना हो, लोगों को उसके बारे में बताया जा रहा है. ऐसा मत कहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही. पांचवा MLA बोलता है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पुअर फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, कई सालों से डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उनकी भर्ती नहीं की गई है, ठीक है, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी लंबी लंबी छुट्टियों पे चले जाते हैं, सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है, ठीक है. छठा MLA बोलता है कि इसका दोषी पिछली सरकार है क्योंकि पिछली सरकार ने जो है वो साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया, सैनिटेशन पर ध्यान नहीं दिया, ये हमारी सरकार है जो सिटी को क्लीन करने के लिए या शहर प्रदेश को क्लीन करने के लिए काम कर रही है. ना ये आपने देखा कि जो इतने सारे MLAs लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं पानी की शॉर्टेज और गंदे पानी पीने से जो हो रही हैं, डायरिया से जो मौतें हो रही हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी बात की जा रही है. नाउ MLAs जो मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं वो इसी तरह से एक साथ, चाहे वो विनिंग पार्टी के हों, मेजॉरिटी पार्टी के हों या फिर ऑपोजिशन पार्टी के हों, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसी तरह से अहम मुद्दों को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और जो भी सरकार रूल कर रही है उनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स देखते हैं, पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज देखते हैं, वो उन्हें आंसर करते हैं और जो भी डिस्कशन होता है उसके लिए सल्यूशन निकाले जाते हैं.
तो जब सारे एमएलए एक साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी डिस्कशन करते हैं किसी भी मुद्दे पे, तो वो एक्चुअली लेजिस्लेचर कहलाता है, जहाँ पे उनका काम होता है कानून बनाना, मुद्दों को डिस्कस करना और फिर सल्यूशन ढूंढना, राइट। चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग होती है उसको हेड करते हैं, और जो भी मिनिस्टर्स उनके अंडर काम कर रहे हैं उनका उनको सुपरवाइज करते हैं उनकी वर्किंग को, कि क्या वाकई में जो मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेप नहीं लिया, राइट। तो चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, किसी को हेल्थ दिया गया है, किसी को वाटर डिपार्टमेंट दिया गया है, किसी को एग्रीकल्चर, इस तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, ऐसे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव टीम होते हैं राज्य में। उनका काम होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि दूसरे एमएलए उन्हें बता रहे हैं, उन मुद्दों पर विचार करना, उन पे स्टेप लेना, उन पे क्या सल्यूशन निकले हैं उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इसीलिए उन्हें एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। और एग्जीक्यूटिव टीम का जो हेड होते हैं राज्य में वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क्स विद इन वन स्टेट। हर राज्य की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और इसी तरह से इलेक्टेड एमएलएस वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करते हैं। उनका काम होता है हर लोकल प्रॉब्लम को सरकार के सामने लाना और उस पर विचार विमर्श करके उस पे उसके सॉल्यूशंस ढूंढना, राइट, ताकि सरकार अहम स्टेप ले सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द एमएलएस। Please like, share and review and subscribe this channel. Thank you.